160 किलोमीटर भाई शोरूम वालों ने मना करा है 50 किलोमीटर पर आर के ऊपर चलने के लिए, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। चलो वैसे भी 160 किलोमीटर जैसे चली है ना, मैंने 60 से ऊपर लेके नहीं गया हूँ व्हीकल, 160 से मतलब 60 किलोमीटर से ऊपर लेके भी तो गया नहीं हूँ मैं। चलो भाई इसे ना कैरी मतलब इसे रखेंगे अपना रिकॉर्ड, जिसकी फ़र्स्ट सर्विस होगी ना, वैसे तो उसकी फ़र्स्ट सर्विस 500 टू 700 के अंदर, तो कहने को मतलब कहिए कि आपने 500 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के अंदर करा देना। अब देखते हैं क्या उस टाइम कहाँ क्या रहूँगा, तो करा ही देंगे फर्स्ट सर्विस, उसी के बाद खोलूँगा ज़्यादा से, अभी तो हल्के चलेंगे। 70 किलोमीटर पता लगा, इतनी स्मूथ बाइक ना, इतनी स्मूथ की पता लग रहा है जी कब कितनी खुल जा रही है भाई बाइक। अभी ग्लव्स व्लव्स नहीं पहने मैंने क्योंकि ठंडा नहीं है अभी इतना, तो अभी थोड़ा चलते हैं, कहीं जा रहा हूँ मैं ऊपर थोड़ा पहाड़ों की वादियों में, एंड टुडे इज़ अ वोट डे, तो मेरे को जाना है यहाँ से बल्लूपुर, यहाँ से पड़ जाएगा लंबा, हम जाएंगे अंदर यहाँ मेन रोड से, वो ज़्यादा सही पड़ेगा। यहाँ से धर्मपुर से रेस कोर्स से प्रीचौक, एंड प्रीचौक से सहारनपुर रोड से बल्लीवाला से बल्लूपुर चौक। तो भाई टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 3 बजने में, सिर्फ 3 मिनट हैं, और भाई फ़ोन भी आ रहा है मेरे भाई का, कैसे उठाए ड्राइव करते हुए, बीटी मेरे कान में लगा नहीं है। चलो थोड़ा सा इग्नोर करते हैं 5 मिनट के लिए, जगह जगह पे ना सिक्योरिटी तैनात अपनी ड्यूटी करते हुए। मोटर व्लॉगिंग मतलब मेरी ठीक से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है आई डोंट नो, लेकिन आई होप एक दिन ज़रूर अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मेरा अभी शुरू ही है भाई, तो अभी शुरू ही किया है, मोटो व्लॉग कर रहा हूँ मैं। मेन जो अपना चैनल मैंने स्टार्ट किया था ट्रैवलिंग के, उससे किया था, तो मेरे बहुत सारे ब्लॉग ट्रैवल्स के भी हैं, अगर जाके देखें अगर आपको अच्छे लगे तो उसमें लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। ओ चाचा अभी कम से कम मुझे 5 से 10 मिनट और लगेंगे यहाँ से बल्लूपुर पहुँचने में। मेन पता दिक्कत क्या है यार, उनके उसके साथ में लड़कियाँ हैं और जो उसकी फ्रेंड है वो लड़की हैं कुछ, और तो यार लड़कियों का वेट कराना पता ही है आप लोगों को कि कितना मुश्किल होता है, और मैं उनको जानता नहीं, बस सिर्फ मेरा भाई है, कज़न ब्रदर है, पिछले व्लॉग में आया भी मेरे साथ। रोड ना इतनी खाली मिल जाए ना अगर देहरादून के अंदर, मज़ा आ जाएगा मज़ा। तो भाई इतना जो मैंने कवर किया है ना भाई, मतलब ठीक मैनेजेबल स्पीड में मैंने ये पार किया है, मैंने तो 20-30 इतनी ही स्पीड आती है वहाँ सिटी के बीच से होते हुए तो, लेकिन आज जो रश ना इतना है नहीं इलेक्शन की वजह से, आज मार्केट क्लोज है तो लोग भी अपने घर पे हैं। तो भाई ये रास्ता सामने वाला जो है वो निकलता प्रेम नगर और विकास नगर के लिए, इसके जो नेक्स्ट वाला चौक है वो बल्लूपुर है, यहाँ से जस्ट सामने ही है ये 1 किलोमीटर होगा, तो वहाँ पे वो लोग वेट कर रहे हैं, तो फिर आप डायरेक्ट मिलते हैं उनसे मिलने के बाद। देखिए गाइस यहाँ मज़ा आता है, सिंगल हो ना फिर लीन करते हुए, पहले हम यहाँ जाया करते थे पार्टी करने, इधर नीचे अब इधर सूख गई पूरी नदी, वही साथ के मिल चुके हैं, एक गाड़ी है, एक गाड़ी आगे वाली है। रोड
पे ना बाइक चला के मजा आ रहा था यार। अब तो वैसे रोड बन चुकी है पूरी, मतलब मौसम ना मतलब ऐसा रहता है, ठंडा ठंडा रहता है साइड पे, आगे ठंडा रहता है साइड पे हमेशा। अब यहाँ पे पकड़ो रोड पे ना बाइक चला के मजा आ रहा था यार। अब तो वैसे रोड बन चुकी है पूरी, अब यहाँ पे पकड़ो बहुत बढ़िया। भाई अभी मैं यार भाई जा रहा हूँ मेरे भाई की, जो कि अपाची न्यू वाली अपाची है भाई, जो उसमें बाइक वहाँ पे गिरी थी ना, तो भाई वो ना सडनली मतलब पता लगा साइड में, जैसे मैंने बाइक ऐसे साइड में लगाई ना, मेरे पीछे जो मतलब मेरा पिजन था बैठा हुआ, तो उसके अंदर क्या हुआ बाइक लगाई और वो ना सडनली मतलब एकदम से उतर गया बिना बोले कुछ बोले, और मेरा सारा जो उसका प्रेशर था वो लेफ्ट साइड में था, और लेफ्ट साइड में मेरा जैसे पैर नीचे रखा, तो पैर नीचे रखते ही भाई नीचे तो पूरा मतलब पूरा डाउन था, तो भाई इसलिए बाइक डाउन होगी पूरी। अभी जस्ट थोड़ा हम ऊपर आए हैं वहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर, अभी मेरे लेफ्ट हैंड पे इधर साइड में बाजू में पेन हो रहा है, बस अभी वो भी चेक करने के बाद ऐसे हाथ लगाया उसके बाद से पेन हो रहा है, इससे पहले पेन भी नहीं हो रहा था। कैसे लग रही बाइक? बहुत सक्सेस है, बहुत ज़्यादा है, बहुत सेक्सी चल रही है, बहुत स्मूथ स्मूथ ना, उसका हैंडल पूरा खुला हुआ है पता है। हाँ लेकिन मुड़ती नहीं जल्दी से वो, हाँ जल्दी से लंबी है ना बाइक, हाँ। इसलिए अब हाँ तो काफ़ी लंबी तो है ही, बहुत लंबी है, देखिए अच्छी लग रही है तो। हाँ तो भाई इस साइड गिरी और लेफ्ट साइड यहाँ मतलब पूरा सेफ है, कुछ हुआ नहीं, सिर्फ यहाँ पे लेग गार्ड था तो इसलिए पूरा बच गया यार पोर्शन पूरा, इसने पूरी पन्नी से पुर के, तो इसने भी इतना कुछ डैमेज हुआ नहीं है। ये दिखाइए मैं जरा, मुझे ना ये लग रहा है कि शायद ना इसका ये अंदर गया था, को लग रहा है कि अंदर गया ना वो, मेरे है मेरे को फील सा हो रहा है, शायद वो लगने गिरने के बाद लग रहा है यहीं पे था ना ये, हाँ ये तो यहीं था, सब कुछ सही है। तो भाई बाइक सेफ है अपनी, कुछ हुआ नहीं ना मेरे को ना बाइक को। तो भाई ये पूरा नज़ारा जिस किसी ने मेरा यहाँ का ब्लॉग देखा नहीं, हमने पहले ब्लॉग बना चुके हैं साइड का, हाँ। जब हम कार में आए थे याद है, हाँ कैंपिंग करने। तो भाई पहाड़ों में ना बस ये होता है, अगर आपको मतलब एक शांत वाला फील चाहिए ना, तो आप अपना बाइक का ही स्विच यहाँ से ऑफ कर दो, तो आपकी बाइक हो जाएगी बंद और पूरा न्यूट्रल में लेके नीचे तक आओगे जहाँ तक आपका मन करता है, आपको लेट अगर नहीं हो रही हो तो। हमें तो कोई लेट ही चुके अभी हम आए हैं, वो पहले बताया क्या, वो अपने साथ एक एक क्लियर है, 3 बाइक हैं हम पे, 2 लड़कियाँ रख लेते हैं, सारे वहाँ वेट कर रहे हैं सर, वहाँ चाहिए जा चुके हैं, नीचे जा चुके हैं सामने पे यहाँ पे। हैं मज़ा आ गया ऐसा था, नहीं पता क्या जहाज चला रहे होंगे हम लोग है ना। ले अपनी की पकड़,